तुमसे दिल जो लगाया तो जहां मैंने पाया, कभी सोचा न था ये मिलों दूर होगा साया। क्यों खुदा तूने तो क्या हाल है आप सबका? आज हम फिर से बात करने वाले हैं हिजड़ों की चिड़ियाघर मतलब टिकटॉक उर्फ म्यूजिकली के बारे में। आज मेरे पास एक ऐसा लौंडा है जिसे दुनिया के हर पागल कुत्ते ने 10 बार काटा है। तो यार ज्यादा बकचोदी ना पेल के शुरू करते हैं। मत करो मुझसे इतनी मोहब्बत देव, बहुत तड़पोगे, बेवजह तकलीफ होगी तुम्हें। ध्यान से देखिए इस बच्चे को। उचित समय में पोलियो ना मिलने के कारण ये बच्चा आज इंटरनेट पे घोड़े की लंड काट के चूस रहा है। अगर आपने भी अपने बच्चे को सही टाइम पर पोलियो ना दिया तो शायद आपका भी बच्चा आने वाले समय में यही बकचोदी पेलता हुआ पाया जाएगा। अरे भोसड़ी वाले क्या हुआ? मम्मी ने दूध नहीं दिया, बोर्नवीटा में पानी मिला के पिला दिया, या फिर तुझे टूथपेस्ट पर नमक नहीं मिला। पता किस बात का इतना दुख है तुझे? और तू जिस भी लड़की को हंसता हुआ रहने के लिए बोल रहा है ना, हंसता हुआ रखे तुमको। अगर भाई चांस उसने ये वीडियो देख लिया तो बेचारी हर पिक पी के अपनी जान दे देगी। हंसना तो बहुत दूर की बात है, ऐसी भयानक एक्सप्रेशन से लोग बस डर सकते हैं। हंसता हुआ रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आए हाय, पहले तो बस अपनी ही इज्जत का बलात्कार करता था, लेकिन इस बार तो गरीबों के अजय देवगन को भी साथ लाया है। अब ये दोनों मिलके करेंगे हमारी जुबा टट्टी। तो भाइयों मेरे साथ बोलो, बोलो जुबा टट्टी। तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं। अच्छा तो दिल है भाई के पास, तो भाई उसी दिल में थोड़ा रहम जगा और हम पे रहम का। लेकिन यार भाई की हिम्मत की दाद देना पड़ेगा, ऐसी शरीर होने के बावजूद भाई ने मुक्का मारने से पहले 1 सेकंड भी नहीं सोचा। बहुत हिम्मत की बात है ये। एक सेकंड, क्या कोई मुझे ये बताएगा कि ये क्या चीज है? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है इस फनकार ने, तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। भगवान ने अगर ऐसी ना भी मुझे दिया होता ना तो अब तक मैं अपने माँ बाप पर केस कर दिया होता। ज्यादा ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, ये बस एक जोक था। अगला जो सीन आने वाला है उसे बच्चे अगर घर पे करने की कोशिश ना करे तो बेहतर है। ये स्टंट चूतियों के साथ किया गया है, मेरा मतलब एक्सपर्ट के साथ। अरे क्या हुआ, गांड में टट्टी अटक गया है या फिर अपनी जिंदगी को अपने तीसरे सेहत से निकालने की कोशिश कर रहा है? सरकार बोलता है कि देश का भविष्य बच्चों के हाथ में है, लेकिन ऐसे बच्चों को देखने के बाद लगता है देश की बर्बादी पक्का है। तो यार आज के लिए बस। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई हैव यू नाउ।